हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब मफ्तूहा इलाके में कुछ घरों का जायजा लिया तो जो क्रिश्चियन थे उनके घरों में बच्चों का आपने इम्तिहान लिया, बच्चों से पूछा तौहीद रिसालत के लिहाज से, तो बच्चे भी वही बोल रहे थे जो बड़े बोल रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे थे। तो आपने उन सारे बड़ों का जिम्मा कैंसिल कर दिया, कहा हम तुम्हें इस मुल्क में नहीं रहने देंगे, दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। उन्होंने कहा हमने क्या खिलाफ वर्जी की है? आपने फरमाया खिलाफ वर्जी यह की है कि तुम्हारे साथ तय था कि तुम अपना दीन किसी को पढ़ा नहीं सकते, तो अगर तुम नहीं पढ़ाते तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? पता चला तुम इस्लामी सल्तनत के अंदर अपने घरों में अपने काफिराना अकीदे अपने बच्चों को पढ़ाते हो, तुमने हमसे फ्रॉड किया, तुमने हमसे धोखा किया, तुम्हारे बच्चों को तो इस्लाम की बातें आनी चाहिए थी, लिहाजा जिम्मा कैंसिल हो गया, उनको निकाला गया। और आज सूरत हाल यह है कि मुसलमान बच्चों को यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में बिलखुसूस क्रिश्चियन प्रोफेसर बुलाकर लेक्चर दिलवाए जाते हैं और ये फर्क खत्म किया जा रहा है इस्लाम और गैर इस्लाम का। और यहां तक बात आन पहुंची है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के निसाब से जिहाद की आयतें निकालना, इस्लामी हीरोज के तस्करे निकालना, और फिर ये के इस्लामी सच्चा दीन है इसको हाईलाइट करने पर झगड़े हो रहे हैं। अमेरिका कहता है कहो सारे दीन ही सच्चे हैं, तुम जब बच्चों को पकवा देते हो कि सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है तो यहीं से वो दहशतगर्द बन जाते हैं, वो और किसी को कबूल ही नहीं करते। लिहाजा तुम प्राइमरी हो, मिडल हो, हाई हो, कॉलेज जो कुछ हो, हर निसाब में ये रखो कि हर मजहब सच्चा है, खा वो यहूदी हो, नसरानी हो, सिख हो, हिंदू हो, ताकि सब मिलजुल के रहे। तो मेरे भाइयों, अमेरिका तब खुश है कि जब कहें हर मजहब सच्चा है और कुरान ये कहता है कि इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, सिर्फ इस्लाम सच्चा है, सिर्फ वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, रब फरमाता मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए ए क़यामत तक के मुसलमानों, लकुम में हम 15वीं सदी वाले भी हैं, रब फरमाता कुरान में मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बहसीयत दीन पसंद किया। अब एक तरफ अल्लाह है, दूसरी तरफ अमेरिका है, बर्तानिया है, और कयाने सहयून वो इसराइल है, और इसके साथ इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे इस्लाम दुश्मन मिलकर और अपने एजेंट उन्होंने मुसल्लत किए हुए हैं इस्लामी मुल्कों के अंदर, और टकराव कुरान से हो रहा है। आज ये फैसला तो ये हमारे सादा सादा बुजुर्ग, इनसे पूछो कि किसका किसको राजी करना है। अल्लाह कहता है कि सिर्फ इस्लाम दीने बरहक है, अमेरिका कहता है, यूरोपीय यूनियन कहती है कि सब दीने बरहक है, कादियानी भी सच्चे हैं माशाल्लाह, यहूदी भी सच्चे हैं। तो मुझे बताओ हमने साथ किसका देना है?